आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897। इनके फादर राय बहादुर जानकीनाथ बोस जो है एक गवर्नमेंट लॉयर थे ब्रिटिश जुडिशरी में। इनकी मदर पार्वती देवी एक फिलेंथ्रोपिस्ट थी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो जन कल्याण या परोपकार के काम करती हैं। माना यह जाता था कि ये जो बंगाली लड़का है ये जो है बहुत ही ज्यादा सिंसियर सर्वेंट बनेगा ब्रिटिशर्स का। लेकिन हुआ क्या, ये जो है सबसे महान फ्रीडम फाइटर बने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। जब इन्होंने अपना एग्जामिनेशन पास कर लिया अच्छे मार्क्स से कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से, तो ये इंग्लैंड चले गए आगे पढ़ाई करने के लिए। इन्होंने सबसे मुश्किल ICS एग्जामिनेशन जो है वो फोर्थ नंबर पे पास किया इंडियन सिविल सर्विस का, और ये कलकत्ता वापस लौट कर आ गए। बगावत के जो बीज हैं कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पहले से ही पनप चुके थे। क्यों? क्योंकि एक जो इंसल्ट इनको झेलनी पड़ी थी, जो एटीट्यूड, जो घमंड दिखता था ब्रिटिश प्रोफेसर्स का प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंडियंस के प्रति, उससे इनके मन में जो है कहीं ना कहीं एक बगावत के बीज जो है वो पहले से ही जन्म ले चुके थे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हिस्सा लिया जाए। ये एक्टिव मेंबर बने नेशनल असेंबली के। इन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया 1923 में। फिर ये वहां ही पर बहुत पॉपुलर लीडर बन गए यूथ्स जो यानी यंगस्टर्स होते हैं उनके बीच में। ये टॉप में थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और कई बार जेल गए 1938 में। जो यंग एज थी इनकी लगभग 41 ईयर्स के जब ये थे तो इनको चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन हरिपुरा सूरत में, और वहां पर इनको अपनी एबिलिटी यानी जो काबिलियत है दिखाने का मौका मिला। इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि इनके जो विचार थे वो उनसे नहीं मिलते थे गांधी जी से, और इस वजह से जो है इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। और फिर इन्होंने जो है एक अपनी पार्टी बनाई द फॉरवर्ड ब्लॉक, लोगों को एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है जागरूक करने के लिए। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में इंडिया के ट्रैवल किया, इनको अरेस्ट भी किया गया इंडियन डिफेंस कोड के अंतर्गत और जेल में भी डाला गया। इम्प्रिजनमेंट के दौरान वहां इनके साथ काफी बुरा व्यवहार भी किया गया। इनको जो है जेल में डाला गया था उस जगह पे जहाँ ये रहते थे, क्योंकि इनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी। ये भी जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे जब तक क्या कहते हैं फास्ट नहीं तोड़ रहे थे। ये पठान के रूप बना के, मतलब जैसे कहते हैं भेष बदल के पठान का, ये जो है कलकत्ता से पाया पेशावर होते हुए काबुल ईरान रशिया जो है वहां ट्रैवल किया इन्होंने। बाद में ये बर्लिन जर्मनी पहुंचे 28 मार्च 1942 को। जो इंडियंस जर्मनी में रहते थे उन्होंने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी लोगों के जो इंडिया के थे बर्लिन रेडियो से कि आप जो है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये हिटलर से भी मिले जर्मनी में और वहां पर डिटेल में डिस्कस किया इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में। फिर ये चले गए रोम और पेरिस, वहां पर इन्होंने मिलिट्री यूनिट एस्टैब्लिश किया इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और लगभग 3000 सोल्जर्स जो है उनको रिक्रूट किया। राज बिहारी बोस एक रिवॉल्यूशनरी थे जो कि जापान में रहते थे, और उन्होंने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा और फिर एस्टैब्लिश किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज जो है उसका गठन किया गया। लगभग 100 से ज्यादा इंडियन डेलीगेट्स जो है मलाया, जापान, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, बर्मा, ब्रह्मदेश जो कि अब म्यांमार है, ये सब जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे। और मोहन सिंह एक वॉर प्रिजनर थे जो कि अरेस्ट किए गए थे जापान के द्वारा, वो भी जो है इस वहां पर मौजूद थे। राज बिहारी बोस जो है उन्होंने जो है अपने आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया था। इंडियन नेशनल जो क्या कहते हैं INA थी उससे जो है उसके हेड के जो पद से इन्होंने वॉलंटरी तौर पर रिटायर ले लिया था। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आजाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बहुत ही टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी को तोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत ही चालाकी से जापान पहुंचे बर्लिन से एक सबमरीन में 1943 के। राज बिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के थे उन्होंने इन्वाइट किया सुभाष चंद्र बोस को कि वो जो है इस लीग के हेड बन जाए। ये डिसाइड किया गया कि इस फौज में सिर्फ इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स होंगे और ये जो है लड़ेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। जापान हर तरह से मदद करेगा इंडियन फ्रीडम के लिए। ये भी प्रॉमिस किया कि जापान आर्मी जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ेंगी, इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर करेंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो बनाई जाएंगी और जापान जो है उनको पहचान देगा।
जुलाई 2 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर गए जापान से, और वहां जो है वो चुने गए प्रेसिडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जुलाई 4 1943 में। राज बिहारी बोस जो है वो वॉलंटरी तौर पर रिटायर हो गए हेड से इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज के, और वहां पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जो है हेड चुन लिया INA का। जो इंडियंस वहां रहते थे उनको एक प्रॉपर और एबल लीडर मिल गया था, अब वो अपनी मदरलैंड को छुड़ा सकते थे, आजाद कर सकते थे। तब से सुभाष चंद्र बोस जो है उनको नेताजी कहा जाता था। उनकी जो स्पीचेस थी या रेडियो पे उन्होंने हमेशा स्लोगन दिए, चलो दिल्ली यानी कि लेट्स मार्च टू दिल्ली, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अपनी जो उनकी एक स्किलफुल गाइडेंस थी उससे उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी। उन्होंने कन्विंस करने की रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी उन इंडियन से जो कि रहते थे साउथ ईस्ट एशिया में कि आप सब चीजें छोड़ दो इस इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए। एस्टेब्लिशमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बनाई, और फिर ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए, हेड बन गए आर्मी की। इन्होंने बाकी और डिपार्टमेंट्स अपने कंपेनियंस को जो है अलॉट किए और एक कैबिनेट बना ली। इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया जापान, जर्मनी, इटली और जो नेशनलाइज चाइना और बर्मा थे उनके द्वारा। ये जो गवर्नमेंट थी इसने रिकॉग्नाइज किया हिंदी को एक मातृभाषा के तौर पे, और ट्राई कलर यानी तिरंगा जो है वो नेशनल फ्लैग बना। ये डिसाइड किया गया कि इनके पास जो इनकम आएगी वो आएगी जापान को मदद करके इंडिपेंडेंट रोल से और प्रॉपर्टी टैक्स से। नेताजी अंडमान और निकोबार आइलैंड गए और वहां पे जो है शहीद और स्वराज जो है उसको नाम दिया। आखिरी कदम या जो मार्टिडम शहादत थी सुभाष बाबू की, अब वो देखते हैं क्या थी। मई 1944 में नेताजी की लीडरशिप में इनकी जो मिलिट्री यूनिट्स थी उनको कैप्चर कर लिया गया। लास्ट स्टेप एंड मार्टिडम ऑफ सुभाष बाबू। मई 1944 में नेताजी की लीडरशिप में उनकी जो मिलिट्री यूनिट्स थी उन्होंने रंगून, प्रोम, कोहिमा जो कि आज की डेट में कैपिटल है नागालैंड की, इनको कैप्चर कर लिया। फिर ये आगे बढ़े इम्फाल की तरफ जो कि अभी कैपिटल है मणिपुर। लेकिन जब दो एटम बॉम्ब्स गिरा दिए गए नागासाकी और हिरोशिमा में जापान के अंदर, तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो बंद हो गई। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट जो है अब उन्होंने जंग छेड़ दी आजाद हिंद फौज के अगेंस्ट, और कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। अगस्त 18, 1945 को इन्होंने जो है ताइपे एयरपोर्ट जो फॉर्मोसा का था टोक्यो से, वहां से शुरुआत करी, पर इनका प्लेन जो है उसमें आग लग गई और ये बहुत ज्यादा जल गए, और शायद ट्रीटमेंट के दौरान जो है इनकी डेथ हो गई। जो मिस्ट्री है इनकी डेथ की वो आज तक जो है सॉल्व नहीं हो पाई है। अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो कमांडर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के उनको अरेस्ट किया गया प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पे, और इनके ऊपर इल्जाम लगा देशद्रोह का और उनके ऊपर केस चलाया गया। भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू ने इनके केस की वकालत करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनके ऊपर पनिशमेंट के चार्जेस लगाए, तो हर तरफ जो है इनके खिलाफ बगावत हो गई पूरी कंट्री के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब जैसे कहते हैं ना, इतने सारे लोगों की राय के आगे झुकना पड़ गया, तो गवर्नमेंट ने जो है जो पनिशमेंट था उसको विथड्रॉ कर लिया। ये जो घटनाएं थी और जो नेवल म्यूटनी हुई बॉम्बे की, ब्रिटिश को एहसास हो गया कि अब उनका जो रूल है इंडिया के अंदर अब वो और ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। फरवरी 20, 1947 को एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब सारी पावर्स दे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसा कि कैबिनेट मिशन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, और इंडिया को छोड़ देगा जून 1948 तक। तो इस बदले हुए हालात में माउंटबेटन जो है उनको बनाया गया वाइसरॉय लॉर्ड वेवल की जगह पे। जब इन्होंने चार्ज लिया अपनी पोस्ट का, उस टाइम पे सामुदायिक दंगे जो है वो शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर, और कंडीशन जो इंडिया की थी वो बहुत ज्यादा पैथेटिक हो गई थी। जुलाई 1946 में कांग्रेस को 201 सीट मिली 210 में से, और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली 78 में से। जो भी प्रोविंस थे इंडिया के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बनने से पहले लीग जो है उसने प्रेशर डाला गवर्नमेंट ऑफ की गवर्नमेंट पे कि हमें पाकिस्तान चाहिए 16 अगस्त 1946 को। एक तरफ जो है इतने ज्यादा भयंकर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, और कहीं जैसे ना आक्रोश जो है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद पूरे कंट्री में फैल रहा था।
ऐसी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं बचा है कि जो डिमांड है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना जो है वो सेपरेट पाकिस्तान चाहते हैं। अब मुस्लिम लीग ने जो है बॉयकॉट किया फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग को December 9, 1946 में। जो मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटिव थे जो कि हुई January 31, 1947 को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉयकॉट करेंगे कैबिनेट मीटिंग को और एक बहुत ही तेजी से और बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो है पाकिस्तान की डिमांड के लिए रखेंगे। माउंटबेटन कन्विंस कर पाए नेहरू को और सरदार पटेल को, जिन जो कि समझ गए थे कि मैटर जो है एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों सेंटर में और वो कहीं ज़्यादा शांतिपूर्ण और प्रोग्रेसिव होगी बजाय वीक सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस और अपोजिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। मतलब ये है कि ज़्यादा बेटर है कि एक वेल ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेंटर के अंदर आते हों। ये वाली जो गवर्नमेंट होगी ये कहीं ज़्यादा शांतिपूर्ण और प्रोग्रेसिव होगी बजाय वीक सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें कई सारे अपने आप में ऑटोनोमस मीन्स जो स्वतः याद राज्य करने वाले होते हैं या जो विरोध करने वाले हैं, ऐसे अगर एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी। नेशनल लीडर्स को भी जो है ये तर्क एक्सेप्टेबल लगा तो सरदार पटेल और नेहरू ने इस मैटर को गांधी जी के साथ डिस्कस किया, जिन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अरेंजमेंट पार्टीशन ऑफ इंडिया का बहुत ही भारी दिल से, यानी ना बड़े दुखी होकर उन्होंने जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया। माउंटबेटन प्लान 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। 24 मार्च 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने अपनी स्कीम सामने रखी। उनके अनुसार क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव नहीं था सिवाय पार्टीशन ऑफ इंडिया की, अब नेशनल और जो प्रोलिफिक लीडर्स थे सरदार पटेल थे उनको जो है ये बात समझ में आ गई, कट्टर नेता जो थे। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद, बहुत सारे सोच विचार के बाद फाइनली June 3, 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि जो है अब पार्टीशन इंडिया का हो जाना चाहिए। ये प्लान जो है कहलाया माउंटबेटन प्लान। कांग्रेस लीडर्स और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्लान को। जब माउंटबेटन ने जो है इसको लागू करने की कोशिश करी तो जो लोग थे ईस्ट बंगाल के या सिलहट प्रोविंस आसाम के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे ईस्ट पाकिस्तान को, वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल जो है फिर एफिलिएट कर दिए गए इंडिया के साथ, जैसा कि डिस्कशन हुआ था असेंबली में, और वेस्ट पंजाब जो है वो ज्वाइन हो गया पाकिस्तान के साथ। तो डिसाइड ये हो गया कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है उसको एफिलिएट किया जाए, रजिस्टर किया जाए सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ। जो लोग थे ईस्ट बंगाल के और सिलेट प्रोविंस आसाम के, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को रजिस्टर किया गया इंडिया के साथ जैसा कि असेंबली में डिसीजन हुआ था, वेस्ट पंजाब जो है उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है सिंध और बलूचिस्तान ये सबके सब जो है रजिस्टर किसके साथ हुए, पाकिस्तान के साथ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट July 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने पास कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे और जनाब जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो डिपेंडेंस थी ब्रिटिश रूल पर अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को माना कि ये एक और अपने आप में अकेला बेस्ट और बेनिफिशियल एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया था। जो लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में मिडनाइट पर August 14 के। जो यूनियन जैक था इंग्लैंड का वो नीचे लाया गया पोल से और इंडियन नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर था उसको फहराया गया। जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें इंडिपेंडेंस दी गई थी इंडिया की, वो हैंडओवर किया गया माउंटबेटन के द्वारा सी राजगोपालाचारी को, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। जो पूरी प्रक्रिया थी पावर ट्रांसफर की वो कंप्लीट हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को एक नई सुबह ने जो है जन्म लिया था। सबने जो पहला इंडिपेंडेंस फेस्टिवल था बहुत अच्छे तरीके से खुश होके मनाया पूरी कंट्री में। हर तरफ लोग जो है वो तोरण टांग रहे थे, एक जो कि शुभ मानी जाती है, दरवाजों पे मिठाइयां बांटी जा रही थी, स्कूल्स में बहुत से लोग थे जिन्होंने एक तरह से शपथ खा ली थी, वो जो है या जैसे कहते हैं ना एक संकल्प लिया था
उनको बहुत रिलीफ लगा कि जब उनका वो संकल्प पूरा हो गया। और गांधी जी जो है वो सकते में थे क्योंकि पार्टीशन हो गया था इंडिया का, और इसीलिए वो जो है बहुत ज्यादा दुखी थे और वो जो है इसलिए मेडिटेशन में चले गए। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। अब इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आए माउंटबेटन प्लान के नतीजे के तौर पे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो रेजोल्यूशन हुए थे। ये जो प्रॉब्लम्स थी अब कैसे फाइंड आउट करनी थी, रीऑर्गेनाइजेशन होगा मिलिट्री फोर्सेस का, जो डिस्प्यूट्स हैं एसेट्स और प्रॉपर्टीज के, मतलब एक तरह से कहा जाए आपने पार्टीशन तो कर दिया पर पार्टीशन के साथ कुछ समस्याएं भी थी, अब वो समस्याओं के सॉल्यूशन निकालने जरूरी थे। तो वो जो समस्याएं थी उसमें पहला था कि मिलिट्री फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, डिस्प्यूट्स जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज को लेकर थे, डेब्ट्स और क्रेडिट्स को लेकर थे, प्रॉब्लम और सेटलमेंट थी रिफ्यूजीज को कैसे किया जाए, पब्लिक सर्विस और अरेंजमेंट जो सिविल सर्वेंट्स का था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का था वो कैसे होगा, डिमार्केशन इंटरनेशनल बाउंड्रीज का कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के, अब वो फिक्स करनी जरूरी थी। तो ये सब समस्याएं जो है पार्टीशन के बाद खड़ी हो गई थी। एक 5 मेंबर कमिटी जो है जिसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया से और पाकिस्तान से वो फॉर्म की गई, जब चेयरमैनशिप थी लॉर्ड माउंटबेटन की। कमेटी ने अपॉइंट किए अलग अलग कमीशन जिसमें एक्सपर्ट्स शामिल थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके जितनी भी प्रॉब्लम्स हो। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी है तो दोनों ही नेशंस जो हैं वो एडमिट कर रहे थे कि वो एक्सेप्ट करेंगे फाइनल डिसीजन जो भी एक आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का होगा, एक पाकिस्तान का, और चेयरमैनशिप होगी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंपाइल करी जो पार्टीशन आर्मी की थी मिलिट्री वेपन्स की, उनकी जो है एक पूरी की पूरी कंपाइलेशन किया। ब्रिटिश आर्मी ने जो इंडिया को छोड़ दिया था February 28, 1948 में, सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री जुडिशरी के थे सबको मौका दिया गया कि आप चुन लीजिए कि वो सर्व करना चाहेंगे इंडिया या पाकिस्तान। उनको अश्योरेंस दिया गया उनके पे के लिए, अलाउंस के लिए, जो सिक्योरिटी सर्विसेज की, पेंशन सबके लिए उनको जो है अश्योरेंस दिया गया। बहुत सारे रिफ्यूजीज दोनों ही कंट्रीज से माइग्रेट करे अपने अपने घर को छोड़कर और प्रॉपर्टीज को छोड़कर। इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उनके रिहैबिलिटेशन की, दोबारा से बसाने की, बहुत ही स्किलफुल तरीके से और पेशेंट थी। उस टाइम के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने मर्ज किए लगभग 562 छोटे और बड़े प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के इंडियन यूनियन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, एक आयरन विल थी और एक जो डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशंस किए, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर। तब भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है जरूरी थी ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके उन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे पार्टीशन के, उनके उसका क्या असर हो रहा है, जो उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, महात्मा गांधी की डेथ का जो शॉक था, इंडिपेंडेंट इंडिया को पूरी तरह से बनाना, सेल्फ रिलायंट होना, अच्छी गवर्नेंस देना, वीक कंडीशन इंडियन एग्रीकल्चर की उसको कैसे सुधारा जाए, एटमॉस्फेयर पीस और ट्रैंक्विलिटी का पूरी कंट्री के अंदर बना रहे, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कंट्री की है ये कैसे करी जाए, ये सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने बहुत ज़रूरी थे और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माई चैनल असा एजुकेशन। बाय।